प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है। दोस्तों, आप देश से हैं व विदेश से हैं, जहां कहीं से भी आप हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, एक वचन है, योना की किताब उसका 15 अध्याय वचन 2, इसको मैं आपके लिए समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, लिखा है कि ये एक वचन आपको जिंदा कर देगा। वाह, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ठीक पढ़ा, ठीक देखा। ये एक वचन योना 15:2 आपको जिंदा कर देगा। क्या आप तैयार हैं? मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और वो सभी खरी शिक्षाओं के दीवाने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप इस वक्त में इस वीडियो को देख रहे हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया गया परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, इस वक्त मेरा परमेश्वर आप लोगों से बात करे इसी वक्त। दोस्तों, वचन को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है वचन 2:15, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में होकर फलती है उसे वो छांटता है, क्यों? ताकि वो और फले। इस एक वचन को अगर आप समझ गए, आपका जीवन जिंदा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये जो पोस्टर है आप इसको भी ठीक से समझ लें। यहां चर्च को रखा है मैंने, यहां ऐसे लोगों को रखा है जो आराधना कर रहे हैं, लेकिन ये दो कैटेगरी में आते हैं, एक फल देने वाले, दूसरा जो फल नहीं देते। उस तरह परमेश्वर जो अग्नि से भरा है, जो परमेश्वर गंभीरता से भरा है, जो अपने बेटे की सेवकाई को देख रहा है, जो इसी पृथ्वी पर उसने रखा है और जिस बेटे का नाम है यशु, यशुआ, और वो कहता है कि जो डाली मुझ में है, यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में और नहीं फलती वह मेरा पिता वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले ना। दोस्तों, यहां पे चार बातें हैं वचन 2 में। एक है दाखलता यानी यीशु, दूसरा है किसान यानी के पिता, और 3 और 4 यानी कि दो बाकी के दो, वो दो डालियां हैं जो एक फलती है और दूसरी नहीं फलती। टोटल 4 कैरेक्टर्स। दोस्तों, ये जो शब्द है ना, वचन 1 में लिखा है, मैं रखूंगा, लिखा है कि आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मसीह की दह में एक दाखलता के रूप में रखा है। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने चर्च के अंदर एक दाखलता के रूप में रखा है, ट्रू वाइन। यीशु कहता है कि मैं वो ट्रू वाइन हूं, मैं वो सच्चा दाखलता हूं, जो डाली बनकर मुझ में जुड़ेगा वो पक्का फलेगा, उसमें उसको मेरे तरफ से जो हर चीज खुराक मिलेगी वो मैं पक्का दूंगा, क्योंकि मैं सच्ची दाखलता हूं। दोस्तों, इसका एक एंगल दे देता हूं कि अध्याय नंबर 15 और वचन 1 और 2 और आगे तक भी, लेकिन मैं रख रहा हूं सिर्फ वचन 2। यहां हुआ क्या है दोस्तों, यीशु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है कि जो मुझ में है और मुझ में होकर नहीं फलता है उसको मेरा पिता जिसने मुझ में उसने जोड़ा है उसको वो काट देगा। ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या घटना है घटी, इसके 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 पीछे बोलने का मकसद क्या है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? आप जानते हैं ये कहां पर हो रहा है ये बातचीत? ये बातचीत हो रही है ऊपरी कोठरी में, जिसको कहते हैं अपर रूम, और यहां पे यीशु मसीह के सिर्फ ग्यारह चेले। बारवा कहां गया? वो बारवा चेला जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत, इसी पुस्तक में यानी कि इसी चैप्टर में, माफ करना, इसी पुस्तक में 13वें अध्याय पर वचन 27, 28, 29, 30 तक में आप अगर पढ़ोगे तो लिखा है कि यहूदा इस्करियोत, जैसे ही यीशु ने उसको ब्रेड का टुकड़ा दिया, रोटी का टुकड़ा दिया, शैतान उसके अंदर समाया, और वचन 30 कहता है कि वो वहां से उठकर चला गया। तो दूसरे शब्दों में यीशु जब ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहूदा इस्करियोत जैसे लोग, माय गुडनेस, आज भी यहूदा जैसे लोग आज भी मसीह के साथ जुड़े तो हैं लेकिन वो फल नहीं रहे।
परमेश्वर पिता कहता है कि मेरे बेटे के साथ तो तुम जुड़ गए हो, लेकिन तुम फल नहीं ला रहे हो। तब जाकर यीशु मसीह कहते हैं पिता के बारे में, कहते हैं कि वो एक ऐसा पिता है, वो एक ऐसा किसान है जो मुझको ऐसी डालियों के साथ, ऐसी डालियों को मेरे साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जो नहीं फलती है। दूसरे शब्दों में, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीधे आपसे बात कर रहा हूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड थर्ड जेंडर, पास्टर, लीडर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी तुम सुन रहे हो उस वक्त में या वहां जहां तक ये वीडियो जाएगी, उन सभी को कहना चाहता, तुम कैसी डाली हो आज, तुम कैसी डाली हो आज, यीशु में हो, यीशु का सब कुछ ले रहे हो, यीशु का नाम जोड़कर मसीह जीवन जी रहे हो, लेकिन क्या तुम फल ला रहे हो? अगर फल ला रहे हो ना तो मैं तुमको सलूट करता हूं, लेकिन अगर फल नहीं ला रहे हो तो आप लोगों के लिए खतरनाक बात आ रही है। लेकिन उसके पहले, आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और वचन एक को मैं पढ़ने जा रहा हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। न्यू किंग जेम्स वर्जन कहता है, केजीवी वर्जन कहता है, आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द वाइन ड्रेसर। दूसरे शब्दों में दूसरा ट्रांसलेशन ये भी कहता है, हस्बैंड मैन, इसका मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ हाउस और मैरिड मैन। तो पिता कौन है यहां पर? वाइन ड्रेसर, इसका मतलब क्या है, जो बगीचे को सजाता है, जो दाखलता को सजाता है, ऐसा हस्बैंड मैन है जो अपने घर को प्रोटेक्ट करता है, अपनी दाख की बारी को प्रोटेक्ट करता है। यहां पर बात तो नहीं हो रही है, यहां पर बात नहीं हो रही यीशु की, यहां पर बात हो रही है पिता की, यहां पे बात हो रही है पिता परमेश्वर की, जो खुद को किसान कहता है। देख लीजिए आप, खुद को किसान कहता है, ये ऐसा किसान है, ये ऐसा किसान है, मैं रख दे रहा हूं, ये ऐसा किसान है जो अपने बगीचे को लेकर बहुत गंभीर है। आपने नहीं सुना तो फिर से बोल दूं, ये ऐसा किसान है जो अपने बगीचे को लेकर बहुत गंभीर है, वो बिल्कुल मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बिल्कुल टाइम पास बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बिल्कुल ऐसे क्रिश्चियंस को बर्दाश्त नहीं करेगा जो यीशु में होकर सुस्त पड़े, यीशु में होकर सुस्ती का जीवन जी रहे, यीशु में होकर फल नहीं ला रहे हैं, संसारिक हो चुके हैं और संसार की बातों में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों को ये किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लिखा है किसान का काम एक ही है, काटना और छांटना। जो फलती है उसको छांटेगा, लेकिन जो नहीं फलती है उसको काटेगा। यही तो काम है किसान का। इस किसान का जो वचन कहता है कि ये ऐसा परमेश्वर है, लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वाह, याद आया कुछ? तो जो भी पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, हेजी चर्च या बैप्टिस्ट चर्च या फिर आपका जो भी डिनोमिनेशन है, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं, मसीह मंथन से बात कर रहा हूं, मसीह जनता से बात कर रहा हूं, खरी शिक्षा वालों से बात कर रहा हूं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो प्रीच करते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो अटेंडर्स है उनसे बात कर रहा हूं, जो आप पूरे विश्व में मसीह लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। ये है आपका पिता परमेश्वर, ऐसा है आपका पिता परमेश्वर जो हाथ में कैंची लेकर घूम रहा है। देख लीजिएगा, हाथ में कैंची लेकर घूम रहा है। क्या परमेश्वर पिता प्यार करता है? बिल्कुल करता है। क्या परमेश्वर पिता आशीष देता है? बिल्कुल देता है। क्या परमेश्वर पिता चंगाई देता है? बिल्कुल देता है। क्या परमेश्वर अनुग्रह देता है? बिल्कुल देता है। लेकिन किसको, किसको, यह क्वेश्चन है। वो सबको प्यार नहीं करता, वो सब मसीहों के साथ टाइम पास नहीं करेगा, वो सबकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। ये ऐसा पिता किसान है जो बहुत बारीकी से अपने बगीचे की देखरेख करता है, देखभाल करता है। दोस्तों, ये चित्र रख रहा हूं, क्या इस दो चित्र में आप खुद को कहां पर पाते हो? इसका उत्तर आज आपको देना ही पड़ेगा। आप कहां हैं आज? आप ऐसी डाली हो या ऐसी डाली हो? आप खुद को कहां पे देख रहे हैं अभी, राइट नाउ, मेरी बात सुनते सुनते? आप खुद को मसीह कहते हो तो ऐसे हो, काट डाले जाओगे। आप खुद को मसीह कहते हो, ऐसे हो, छांट डाले जाओगे, यानी कि छांटे जाओगे ताकि तुम और फलो। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक?
जिस परमेश्वर पिता को हम कहते थे ना कि ये परमेश्वर पिता है, ये परमेश्वर पिता है जो प्यार करता है, जगत से प्यार करता है, जी हाँ सच है, लेकिन साथ ही साथ वो किसान भी है। वो ऐसा किसान है, कहता है कि जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता है, वह काट डालता है, और जो फलती है ऐसे छांटता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उन लोगों का है जो जीवित है, परमेश्वर उन लोगों का है जो मजबूत है, परमेश्वर उन लोगों का, ये किसान उन लोगों का है जो यीशु में होकर फल रहे। और क्या लिखा है यूहन्ना 15:7-8 में, यही तो लिखा है कि यीशु कहता है मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की खुशी, मेरे पिता को आनंद इसी में मिलता है कि जो डाली मुझ में है वो फल रही है और बहुत फल रही है। जितने मसीह लोग अभी सुन रहे हैं, अगर आप नहीं फल रहे हो तो उसके हाथ में कैंची तैयार है, ये देख लीजिएगा। डैनियल भाई, फलने से क्या मतलब है? फलने से मतलब है, फल लाने से मतलब है मसीह का काम करना, मसीह के लिए जीना, आगे रखूंगा, मसीह के लिए जागरूक होना, मसीह की गवाही देना। यीशु का आज्ञा क्या है? गो एंड प्रीच द गॉस्पल, मेक डिसाइपल्स, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। बोले कि नहीं बोले, जिसको ग्रेट कमीशन कहते हैं। भारत के मसीहों, मुंबई के मसीहों, तो मसीह तो बन गए हो, लेकिन कहीं ऐसे मसीह तो नहीं बन गए जिसको कहते कोई फल नहीं है, टाइम पास के मसीह, सुस्त का जीवन, नामधारी मसीह, केवल नाम के लिए संडे टू संडे चर्च अटेंडर बनकर मन रह गए आप, और साथ ही साथ आप संसार में इतने लिप्त हो गए, पिक्चर के गाने सुनना, थिएटर जाना, संसारिक जीवन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वो सब कुछ जो संसारिक एक व्यक्ति करता है वो तुम भी कर रहे हो, तो तुम सूख चुके हो। और ऐसे लोगों को पिता कहता है कि जो डाली मुझ में होकर, यानी कि यीशु में होकर अगर नहीं फल रही, तो यीशु कहता है कि मेरा पिता अपने हाथ में कैंची लेकर खड़ा है, वो काट डालेगा। लेकिन दोस्तों, जो फलती है उसे वो छांटता है ना। मत्ती 22:32 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। दोस्तों, परमेश्वर पिता ने खुद को किसके साथ जोड़ा? लिखा है कि मैं, यानी कि परमेश्वर यहोवा, मैं इब्राहिम, यानी कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। ऐसा क्यों कहा उसने? आइए पढ़ते हैं। लिखता है कि वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। वाह, ये तीन ऐसे कैरेक्टर थे जिनको जब दर्शन मिला निकल पड़े, जिनको जब बुलाहट मिली निकल पड़े, जिनको कोई काम दिया तो करने चले गए। ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर यीशु कहता है कि मेरा पिता खुद की गिनती या खुद का नाम इन तीनों के साथ छोड़ता है, जिसका नाम है अब्राहम, जिसका नाम है इसहाक और जिसका नाम है याकूब। ये वो लोग हैं जिनको कहता है कि ये जीवित है। मेरा क्वेश्चन है, आज तुम चर्च तो जा रहे हो, बाइबल तो पढ़ रहे हो, प्रार्थना तो कर रहे हो, आराधना तो कर रहे हो, आराधक बन के घूम रहे हो, पास्टर, अपोस्टल, बिशप, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या बन के घूम रहे हो, लेकिन तुम जिंदा हो क्या? ये सवाल है। कैसा लगेगा परमेश्वर अगर आप परमेश्वर के मुताबिक चले? कैसा लगेगा कि परमेश्वर आपके साथ में खुद का नाम जोड़े कि देखो मैं इनका परमेश्वर हूं, क्योंकि ये जीवित है तो मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। ना दोस्तों, मैं एक चित्र रख रहा हूं। लिखा है कि किसान अपनी दाखलता छांटेगा, और साथ ही साथ यहां पे चर्च का चित्र है, ऊपर आप फल देख सकते हैं, बगीचा लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि जैसे ही अपनी कलीसिया में, जिसको यीशु की दुल्हन कहते हैं, जिसको मसीह की देह कहते हैं, ऐसी देह में ऐसे लोग जो चर्च में आकर बैठते हैं, चित्र देख लो, लेकिन कोई फल नहीं देते। दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठते हैं जो फल देते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आराधना किस किस के लिए करें? दोनों के लिए। आजकल यही तो चल रहा है, आजकल यही तो चल रहा है। पास्टर प्रार्थना किस किस के लिए करता है? दोनों के लिए। और पास्टर कहता है जो फल नहीं दे रहा, ये वाला पास्टर कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको आशीष दे, इसको नौकरी मिले, इसका बिजनेस चल पड़े, इसके बच्चे हो जाएं, इसका घर मिल जाए, ये तरक्की करे, ना जाने कितनी आशीष है। ऐसी प्रार्थना करता है, ऊपर से परमेश्वर बोलता है मैं इसको कब का काट चुका हूं,
ये तो कब का कटा हुआ कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये कब का कटा हुआ तुम्हारे चर्च में आता है और मेंबरशिप बनकर बैठा हुआ है, इसको मैं कब का काट चुका हूं, ये ताइत देता होगा जो कि ताइत नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट न्यू कवनेंट, मर्जी से जितना देना है दो, दस ही क्यों, बीस दो, वो बात अलग है, उसके ऊपर प्रचार करते रहता हूं। उसके बावजूद ये चर्च का सब कुछ मरम्मत के लिए पैसे देता है लेकिन है कटा हुआ, वर्शिप भी कर रहा है लेकिन है कटा हुआ, स्तुति भी कर रहा है लेकिन है कटा हुआ, लेकिन उसको देखिए जो फल रहा है, जो फल रहा है, मैं चित्र रख दे रहा हूं, जो फल रहा है उसको परमेश्वर खुद फलाएगा, उसकी आशीष, उसकी नौकरी, उसका हेल्थ, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसका बिजनेस, उसका जो कुछ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा क्योंकि तू फल रहा है। नहीं लिखा है कि मांगने से पहले उसे पता है कि तुमको क्या चाहिए? आजकल कौन से लोग पास्टर के पीछे भाग रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, आजकल ऐसे लोग पास्टर के पीछे भाग रहे हैं, पास्टर आशीष नहीं मिल रही, प्रार्थना करो, पास्टर भी प्रार्थना कर करके थक चुका है, सेवक भी प्रार्थना कर करके थक चुका है, क्योंकि ये ऐसा आदमी कहां से ब्लेसिंग मिलेगा बताइए। नाउ इसको पढ़िए दोस्तों, योहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। अब इसको पढ़िए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर फल रहे हो ना तो आपको आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करना है, अगर आप फल रहे हो ना आपके हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, आपके किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करना है, अगर आप फल रहे, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता खुद आपको आदर करेगा। ये देख लीजिएगा, अगर कोई मेरे बेटे की सेवा कर रहा है तो लिखा है कि पिता उसका आदर करेगा, इसका मतलब क्या है? वो आपको ब्लेस करेगा अपनी तरफ से। वाओ दोस्तों, ये चित्र देख लो, एक तरफ लभालभ मसीह लोग फल देने वाले, और दूसरे ये वो डाली है जो कोई फल नहीं ला रही, कोई गवाही नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई दूसरे को चेला बनाने की बात नहीं, सुस्त पड़े हुए मसीह के देह में, सुस्त पड़े हुए, खा खा के पेटू हो चुके हैं, खा खा के पेटू हो चुके हैं, और इनको संसार बहुत अच्छा लगने लगा है, संसार की बातें बहुत अच्छी लगने लगी, और जब मुझ जैसे प्रचारक आते हैं तो कहते हैं कि देखो कितना गलत प्रचार कर रहा है, ये हमेशा आलोचना करता है, ये हमेशा जजमेंटल प्रीच करता है। अच्छा, तुम इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि तुम कट चुके हो, सूख चुके हो। मेरा मैसेज और वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है दोस्तों, ऐसे बनो। लिखा, ये चित्र देख लो, लिखा है कि व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग, जब तुम नहीं बढ़ रहे हो और जब बढ़ना बंद हो गया है तो तुम्हारा मरने का सफर शुरू हो गया है। दोस्तों इस स्लाइड के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि खुद तो आप सीखोगे और खुद तो आप फलवंत देने वाले बनोगे, लेकिन दूसरों को भी तैयार करोगे, और अगर हो सके उन लोगों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो आप एक सुस्त का जीवन जी रहे हैं, जो आज एक मरी हुई जिंदगी जी रहे, क्योंकि वो वचन योहन्ना 15:2 ये संदेश का वीडियो क्या पता उनको जिंदा कर दे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना खूब ख्याल रखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक को लाइक या फॉलो नहीं किया है, जरूर करिए, प्रभु आपको आशीष दे, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, जय मसीह, गॉड ब्लेस।